एक नहीं है वो तो उनके पूर्वज से पूछ लेगी, हमारे यहाँ लिखने वाले लोगों से पूछ लेगी क्या है, पर हिंदू नहीं है वो तो उनके डीएनए की जांच करा लेगी बाप की औलाद है कि नहीं। यह राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो लगता है अब राजस्थान के आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करवाने वाले हैं, ये पता करने के लिए कि वो हिंदू है या नहीं। कोई देश को तोड़ने समाज को तोड़ने का काम करे तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आदिवासी हिंदू है या नहीं ये बात हम उनके पूर्वजों से पूछेंगे, उनका डीएनए टेस्ट करवा देंगे। कोई देश को तोड़ने समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है वो एक नहीं है वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेगी, हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेगी तो क्या है, और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके डीएनए की जांच करा लेगी बाप की औलाद है कि नहीं। ये बयान है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, जिन्होंने आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करवाने की बात कह दी है। जाहिर है इससे आदिवासी समाज में आग तो लगनी ही थी। जवाब आया आदिवासी नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर से नए नए सांसद बने राजकुमार रोत का। रोत ने दिलावर पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट के साथ ही पूरे राजस्थान में बुरी तरह से हारने के बाद शिक्षा मंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, और रही बात डीएनए की तो वक्त आने पर राजस्थान की जनता बता देगी किसका डीएनए चेक करने की जरूरत है। इधर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दिलावर को नहीं छोड़ा, कहा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिमागी रूप से बीमार, बहुत बीमार हैं। उनके बयानों में बार बार बौद्धिक दिव्यांगता झलक रही है। आदिवासी समाज के डीएनए को लेकर दिया गया उनका बयान अति निंदनीय है। बहरहाल चुनाव हारने के बाद दिलावर के इस बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, और आदिवासियों के बहाने विपक्ष सरकार को घेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।